जबकि रिलीज नहीं हुआ था पहले, तो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन सैम्पल पेपर को एनालाइज करने के बाद तुम्हें यह पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन इस बार के एग्जामिनेशन में तुम्हें मिल सकता है। अगर तुम बात करो बायो का, तो बायो में तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में भी कुछ लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स या फिर कोई भी प्लेस का, कुछ भी चीज का दिया जा सकता है। तो मैथ्स में तुम ऐसा कर सकती हो डेफिनेटली दैट यू कैन जस्ट गेस एंड यू कैन चूज वन ऑप्शन, बट इन मैक्सिमम और सारा सम्स, जितना भी सम्स है तुम्हें डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली मैथ्स के लिए। 60 मिनट्स यानी कि तुम्हें अराउंड 1 आवर मिल रहा है फॉर ईच सम, यू हैव लेस देन 2 मिनट्स टू सॉल्व ईच सम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो तुम्हारा आधा सम हो पाएगा, आधा बाकी जो सम्स रहेगा तो तुम मैथ्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एंड एट लास्ट यू विल हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन जस्ट टेकिंग इट रैंडमली, रादर देन जस्ट चूजिंग दी ऑप्शंस रैंडमली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा मैथ्स के लिए, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट स्पेशली इंपॉर्टेंट है। अदर सब्जेक्ट्स यू कैन डू इट, एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थिंग। तो ये सब चीज़ क्या करना है, तुम सॉल्व कर सकते हो सैम्पल पेपर्स को, और तुम्हारा टाइम भी तुम्हें देखना पड़ेगा जबकि तुम स्पेसिमेन पेपर मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो। मेक श्योर दैट यू सी दी टाइम ऑल्सो विद इन एन आवर, दैट मीन्स विद इन 1 आवर यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर सॉल्विंग द एंटायर मैथ्स का सैम्पल पेपर। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर दैट इज रिगार्डिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो तुम्हारा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है डेफिनेटली तुमने एनालाइज किया होगा, एमसीक्यू है तो इसका मतलब इतना ईजी भी नहीं है। अगर तुम देखो तो उसमें सारा टाइप का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, एंड इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस एवरेज लेवल का है। अगर तुमने बुक से पढ़ा है तो तुम डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है कि अब तुम्हें एमसीक्यू के बेसिस पे प्रिपरेशन करना है, बट देर इज़ नो चेंज, पहले टाइप का ही प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू है तो समथिंग दे हैव गिवन समथिंग डिफरेंट, सो तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। यू नीड टू गो थ्रू द बुक, ऐसा नहीं है कि तुम समरी देखकर जाओगे, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर लिटरेचर। ऐसा नहीं है कि तुम सारे एक्ट्स का समरी देखकर जाओगे, जो जो एक्ट्स तुम्हारा इंक्लूडेड है सिलेबस में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारा एक्ट्स का लाइंस, जो जो दिया हुआ है स्पीचेस है बाय शाइलॉक बाय पोर्शिया, इंटायरली लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा। स्टोरीज, पोएम्स, वो सारा चीज़ का भी समरी, बिफोर यू डू द समरी यू नीड टू गो थ्रू द बुक, यू नीड टू गो थ्रू एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तुम जब भी सॉल्व करोगे, जितना भी सब्जेक्ट्स का तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम सारे सब्जेक्ट्स का एमसीक्यूज को सॉल्व कर एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, क्या क्या मिस्टेक तुमने एमसीक्यू में किया। इसके साथ साथ यू कैन एनालाइज योर वीकर सब्जेक्ट्स, और उसमें तुम्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जस्ट पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें उसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम अगर तुम देखो तो मैक्सिमम मार्क्स 40 दिया हुआ है, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिपरेशंस भी करना है, साइड बाय साइड यू नीड टू सॉल्व द एमसीक्यूज आल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एमसीक्यूज जो है उसको भी सॉल्व करना है। नाउ इसके साथ साथ बहुत जल्द हम टाइम टेबल को भी लेकर डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है सेमेस्टर वन का, जो जो एमसीक्यूज स्पेसिमेन पेपर्स जो रिलीज हुआ था उसका कुछ सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फ्यू सब्जेक्ट्स आर स्टिल पेंडिंग, आई ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, फ्यू टिप्स रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। इसके साथ साथ हम टाइम टेबल को भी बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 मंथ्स बचा है, सो ये लास्ट 2 मंथ्स में तुम कैसे इसको मैक्सिमम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टाइम, एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर properly and how can you score good marks in your semester 1. So 40 marks ka everyone should try to get at least 38 plus in your semester 1, because semester 2 bhi hai, uske sath sath projects bhi hai. To ye sara marks include kar sara marks ka total karke tumhara out of 100 convert hoga. If you want 95 plus to tumhe at least 38 37 तक यहाँ पर 40 मार्क्स में सारे सब्जेक्ट्स में ट्राई करना है स्कोर करने के लिए। इसके लिए तुम्हें सीरियस वाला प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव लिमिटेड टाइम, नवंबर में तुम्हारा सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यू नीड टू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हें स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है देन डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।